आज का सुसंस्कार द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये कुदरत के अंग है, ये कुदरत के घटक है, ये कुदरत के सहयोगी है, ये कुदरत के कंपोनेंट है। कुदरत इनके आधार पर काम करती है। कैसे करती मैं बताऊं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबके चारों के मिले बिना कोई भी काम नहीं होता है। मान लीजिए सबसे पहले भाव आता है, भाव का मतलब चिंतन। मैंने चिंतन किया कि मुझे बाल कटाना है तो ये भाव आया, और द्रव्य जो है नाई है वो द्रव्य हो गया, तो मुझे बाल कटाने के लिए द्रव्य यानी नाई के पास में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर नाई की दुकान है, वह क्षेत्र हो गया। और काल का मतलब जब मेरे बाल कटने चालू हो जाएंगे यानी वो घटना घटित होनी चाहेगी, तब वो काल कहलाता। लेकिन मैं जो है उस नाई की दुकान पे तो चला गया, लेकिन मालूम पड़ा कि नाई तो खाना खाने घर चला गया है, 15 मिनट बाद आएगा। मैं 15 मिनट बैठा रहा, वो नाई आया, द्रव्य आ गया, क्षेत्र पे बैठा ही था मैं दुकान पे, और जो ही द्रव्य आया तो काल पक गया। यानी वो कहता है कि बाबूजी आप बैठिए कुर्सी पर, मैं काटता हूं। जो ही कैंची लेके कटिंग चालू करी वह काल पक गया। तो भाव मेरा हुआ था बाल काटना, द्रव्य वो नाई आ गया, क्षेत्र हो गया नाई की दुकान, और जब उसने काटना चालू किया तो वो काल हो गया। तो कोई भी काम ले लीजिए, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि कोई व्यक्ति जो है ये चिंतन करता है कि मुझे पैसा कमाना है, ये भाव आया। तो भाव आने के बाद में फिर वो द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार आगे बढ़ करके और अपनी आमदनी कर सकता है।